भारत युवाओं का देश है। हर चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम मानी जाती है। इस बार की विधानसभा चुनाव में युवा किस दल को ज़्यादा दमदार मानते हैं और इस चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है? हमारी आज की चर्चा इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई है, तो आइए देखते हैं हमारी आज की खास चर्चा संवाददाता दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार, मैं दिनेश दसौंधी एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे युवाओं से। ये वही पीढ़ी है, ये वही लोग हैं जो परिवर्तन और स्थिरता दोनों के परिचायक हैं। यानी युवा सत्ता का परिवर्तन भी कर सकते हैं और सत्ता को स्थिर भी कर सकते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के लखन पाटीदार जी और कांग्रेस के राहुल वर्मा जी। आज इन दोनों से हम बात करेंगे कि इन चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी। सबसे पहले मैं राहुल जी से प्रश्न करूँगा, पिछले चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, खासतौर पे रवि जोशी जी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका रही खरगोन विधानसभा में। क्या इस बार भी कांग्रेस युवाओं को अपनी तरफ खींच पाएगी? देखो, माननीय विधायक जी जो लोकप्रिय विधायक है, उनका शुरू से युवाओं के प्रति बहुत रुचि है, तो अभी भी उसी तरह हम रुचि दिखाएंगे और उन्हें एक बार फिर से विजय बनाएंगे। अच्छा, तो युवा वर्ग इस बार भी रवि जोशी जी को या कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस के साथ रहेंगे और खास तौर करके युवाओं के साथ ज़्यादातर करके रहेंगे। लखन जी, यही प्रश्न मेरा आपसे है कि नरेंद्र मोदी को अधिकतर युवा लोग पसंद करते हैं, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा युवाओं को लुभा पाई? अभी तो अभी 4 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, और मान्य प्रधानमंत्री जी के साथ जो युवा जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ही युवा है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के युवा है मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, मध्य प्रदेश में युवा लोग सरकार बनाए। हाँ, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि कांग्रेस कहती है कि वो वचन दे रही है, घोषणाएं नहीं करती, भाजपा केवल घोषणाएं करती है। वे कह रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, गैस टंकी 500 रुपये में करेंगे, ज़मीनी हकीकत क्या रहेगी इन योजनाओं? देखो, ज़मीनी हकीकत आपने देखा कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, ये आपके सामने उदाहरण है। और कुछ ऐसे झूठे वादे करे हैं और बोल रहे हैं कि 1500 वाली जो योजना है, हम कह रहे हैं कि लाडली बहना जो योजना शिवराज सिंह जी द्वारा चालू की गई है, उनके पैसे डल गए हैं, और दूसरी किस्त तो संभव है कि कल डल जाएगी, और उसके बाद में जो है जो गैस टंकी का है तो वो तो कोई ज़्यादा मायने रखता, क्योंकि उसमें क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान कार्ड करें जिसमें 5 लाख की योजना मिलती है। तो कांग्रेस की योजना है धरातल पे काम करेगी कि नहीं? नहीं करेगी, क्योंकि वो तो जो काम दिख रहा है कल दिखावा करती है कांग्रेस। लखन जी कह रहे हैं कांग्रेस दिखावा करती है। देखिए, दिखावा करना और ज़मीन पे काम करना है तो 15 महीने की जो सरकार थी उसी में पता चल गया था, जैसा जब कर्जा माफी को देख सके, तो 15 महीने में जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके लिए भी लगा, 50-50 हज़ार तक का कर्जा माफ हो गया था, या आप भी जानते, सब किसान भी जानते, युवा भी जानते, सब जानते, लेकिन टाइम इसके लिए लगा जो डिफॉल्टर इसके लिए हमें थोड़ा समय लगा, इसके लिए हमें और वापस किसान युवा वापस हमको लाना चाहते हैं, और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, और लाडली लक्ष्मी योजना हो या कहीं हो, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो हम जो 1500 का वादा कर रहे हैं, ये किसानों के बीच में जाके महिला देखती है कि उनका जो 50,000 जो कर्जा माफ हो सकता है, तो हमको कांग्रेस 1500 रुपये क्यों नहीं दे सकती है? मतलब आप इन वादों को जमीन पर उतारेंगे? बिल्कुल, जमीन पर वादे उतारेंगे और पूरा करेंगे। राहुल जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब इस तरह की फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती है, तो कहीं ना कहीं विकास बाधित होने का एक प्रश्न जनता के मन में रहता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़े हुए हैं, तो फिर गैस टंकी के दाम कैसे कम? देखो, एक बात तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जो घोषणा की सरकार है उसमें तो कोई दो मत वाली बात ही नहीं है, और महिला यहाँ तक जहाँ तक सोच रही है कि हमको 1000 रुपये दे रहे हो, 1150 की टंकी आ रही है, तो इसमें से उनका काम चलने वाला है, कुल मिला के वापस इधर से लो और इधर दो, दोनों का बीच में वही है, मतलब महंगाई कहीं ना कहीं योजना को बाधित कर, हाँ बस बाधित कर रहे हो, दूसरा कुछ नहीं। आप क्या समझते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार आप सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार, मतलब बहुमत की सरकार बन रही है, वापिस रवि जोशी जी विजय हो रहे हैं, ये हमको युवाओं का पूर्ण भरोसा, और हम लाएंगे उनको। खरगोन में आप किसको पहली पसंद? रवि जोशी जी, सबको पता है, बीजेपी वालों को पता है, कांग्रेस वालों को। रवि जोशी जी इस बार फिर जीतेंगे?
से कौन से काम किए हैं रवि जोशी जी ने? देखो युवाओं के बीच में ज़्यादातर उन्हें कहीं नल जल योजना है, गांव गांव जैसा कुछ भी आंधी तूफान चलती है तो उनके बीच में जाके खड़े होना, या किसानों की समस्या या खाद बीज की समस्या, जो अधिकतर जहाँ भी उनको जहाँ भी समस्या आती है वहाँ पर वो चले जाते हैं और उनके सभी के बीच में खड़े होकर अपनी ताकत दिखाते हैं और किसानों के बीच में अपनी रुचि दिखाते हैं। हम लगातार ज़मीन पर भी बात करते हैं और कई लोग हमें राय परामर्श भी देते हैं, कई प्रश्न भी देते हैं। एक प्रश्न हमें इंदिरा नगर से कुछ लोगों ने दिया है, उनका कहना है कि वहाँ पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। उनका ये मानना है, उन लोगों का ये कहना है कि उनको जो पानी जहाँ से दिया जा रहा है वो थोड़ा गंदा पानी आता है और ये पानी की समस्या को लेकर लगातार वो लोग पंचायत से लेकर जनपद, विधायक और पूर्व विधायक सभी से संपर्क कर चुके हैं। तो इसी बात को लेकर हम इन लोगों से चर्चा करते हैं क्योंकि सवाल हमको जनता से मिला है। सबसे पहले राहुल जी से मैं इसकी राय इस पर राय जानूंगा। नदी पार के लोग कहते हैं वहाँ पानी की समस्या है, आगामी चुनाव में क्या ये मुद्दा रहेगा, क्या इनके लिए कुछ करेंगे आप लोग? देखिए माननीय रवि जोशी जी कल भी आए थे, जो लाडली लक्ष्मी योजना का जो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे क्या एक सैंपल दिया गया था नदी पार महिला द्वारा। तो माननीय विधायक जी का कहना ये है कि मैंने जहाँ जितनी भी कोशिश हो सके अच्छा से अच्छा पानी देने की, मैं जैसा पिपरी जो नल जो योजना थी उसके तहत जो मेरा जितना भी काम हो सका मैंने किया, लेकिन ये पंचायत का काम है, ये पंचायत द्वारा देख रेख के किया जा रहा है, लेकिन मैं जितना भी हो सके उतना और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कांग्रेस इस बार के चुनाव में ऊन के मुद्दों में इसको शामिल करेगी? बिल्कुल शामिल करेगी और अच्छे से अच्छे जल देना, जल छुड़वाने के लिए, अच्छा पानी देने के लिए, सब उसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। लगन जी यही सवाल आपसे भी रहेगा क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पानी के लिए परेशान रहते हैं और हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते हैं, पानी की समस्या वहाँ अक्सर रहती है क्योंकि अधिकतर मजदूर लोग वहाँ काम करते हैं। तो क्या रहेगा इस पर आप आगे का क्या है? ऐसा है कि इस पानी की जो समस्या थी नल जल योजना की, जो पानी की टंकी बनी हुई है उसके हिसाब से वहाँ पाइपलाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या था कि वहाँ पर कुछ पाइपलाइन ज़्यादा लंबी है तो टूट फूट हो रही थी, इसके वजह से उनको जो कुएँ वाली जो लोहे वाली पाइपलाइन है उसमें से जोड़ दिया गया है। तब पानी ख़राब का जो कारण था, अभी जो नया पानी आया उसमें वो क्या था कि जो कुआ है वो अपना नदी के पास है तो नदी का पानी उसमें मिक्स हो गया था, इसकी वजह से वहाँ से जो शिकायत मिल रही थी उस पर काम किया और आगे बहुत प्रयास करेंगे कि अच्छा काम करके अच्छा पानी पिलाएंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल शिवराज की सरकार है और कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखो ये तो कांग्रेस का कहना है और वो कहते हैं क्योंकि आजकल ये योजनाएँ चालू हो गई कि डायरेक्ट हितग्राही के खाते में पैसे आता है तो भ्रष्टाचार का तो प्रश्न उठता ही नहीं है और ये तो आरोप लगाते रहते हैं और इनका काम है आरोप लगाना, ये लगाते रहते हैं कांग्रेस आरोप लगाती है। हाँ कांग्रेस ये भी कहती है कि आप लोगों ने उनकी 18 महीने की सरकार चलने नहीं दी, किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे थे उसको पूर्ण नहीं होने दिया, कर्ज माफ़ी में आपने बाधा डाल दी। देखो क्या है कि कांग्रेस की सरकार जब गिरी, जब कांग्रेस के विधायक नाराज हुए तभी उन्हीं में से आके उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिरा। उनका आरोप तो ये कि आपने खरीद फरोख्त की। नहीं नहीं ये तो झूठी बात है क्योंकि उनको पता है ना कि हमारी पार्टी में हमारी वैल्यू नहीं है। माननीय कमलनाथ जी बोलते थे तो उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का थामा और उन्होंने सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। पर उनका कहना कि आपने किसानों के साथ छल किया, किसानों का हक छीन लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि क्या है कि देखो किसानों का कैसा छीना, उन्होंने कर्ज माफ़ी किया था, किसान तो खुद कर्ज में हो गया था लेकिन माननीय शिवराज सिंह जो अभी ब्याज माफ़ किया है किसानों का, नहीं तो किसान तो ओडी हो गए थे इस चक्कर में। अच्छा, 2 लाख के चक्कर। आप खरगोन में अपनी पहली पसंद किसको मानते हैं, किसको विधायक के रूप में देखते हैं? पहली पसंद मैं बालकृष्ण पाटीदार जी को मानता हूँ और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो तय करेगा उसके साथ में। बालकृष्ण पाटीदार ही क्यों? क्योंकि उन्होंने जमीनी काम किया है, जैसे पाटीदार मतलब धर्मशाला बनाए, 400 धर्मशाला बनाए हर समाज के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पाटीदार को दिया कि ब्राह्मण समाज को दिया, कि हर समाज के लिए उन्होंने धर्मशाला बनाए। पानी की व्यवस्था पिपरी तालाब करा है, आसपास का क्षेत्र पूरा सूखा था, उधर गोगांव अगर जाते हैं तो पिपलाई गाँव है वहाँ पर तालाब बनाया, उधर के क्षेत्र में पूरा पानी पानी कर दिया और आगे चल जैसे खास करके अपने ऊन जैसे गाँव में 22 दिन 25 दिन में पानी मिलता था पीने के लिए। आज की कंडीशन ये है कि माननीय बालकृष्ण जी द्वारा, विधायक जी मतलब सांसद जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिपरी तालाब से उनमें पानी आया और उस पानी से हमारे गांव की प्यास बुझी है और तीसरे दिन पानी मिल रहा है हमको। चर्चा का आखिरी प्रश्न करूंगा दोनों से। भाजपा पर आरोप लगता है कि वे राहुल गांधी से डरे हुए हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी
अगले आने वाले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, किसी कई प्रकार के केस लग रहे हैं और कई तरह की चर्चाएं भी उनके खिलाफ होती हैं। तो इस पर बीजेपी क्या कहेगी कि आप कांग्रेस ये कहती है कि राहुल गांधी से डरे हुए हैं आप और किसी भी तरीके से उनकी राजनीति को किनारे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखो ऐसा है, उससे राहुल गांधी जी से कोई डरा हुआ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री है कि राहुल गांधी जी से डरना तो प्रश्न है, लेकिन वो अधिकतर गलतियां करते जाते हैं, इसलिए वो उनको खुद को स्वयं को डर लगा रहता है और गलत विवादों में फंसते रहते हैं। राहुल जी, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, सड़क पे भी नहीं बोलने दिया जा रहा, संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। देखो जमीन से लेकर ऊपर तक बीजेपी की जो सरकार है, इनका काम शुरू से लेकर राहुल गांधी जी को दबाने का काम कर रही है। तो जो खुले रूप से जिन्हें बोलने का मौका देना चाहिए, सांसद हो या जो कहीं जगह भी हो, सत्ताधारी जो पार्टी है उनको दबाने का काम पूरा कर रही है। अच्छा, पिछली बार 6 की 6 सीटें आप कांग्रेस ले गई थी, इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा? क्या हम वापस से 6 की 6 विधानसभा सीट लेके आ रही है और कांग्रेस सरकार पूर्णतः बहुमत से बना रही है और वापस खरगोन जिले की 6 की 6 सीटें आ रही है। ये थी हमारे आज की विशेष चर्चा, जिसमें हमने भाजपा के लखन पाटीदार और कांग्रेस के राहुल वर्मा से उनके विचार जानने का प्रयास किया। आगे भी हमारी चर्चाएं लगातार जारी रहेगी, चुनावी बातों के साथ, जनता की बात के साथ हम हाजिर होते रहेंगे आपके बीच। आज की रिपोर्ट में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश रसोंदी, SW24 पुणे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।